मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें रामस्वरूप शर्मा जितना तजुर्बा नहीं है, लेकिन वे राजनीति से संबंध रखने वाले परिवार से हैं और उन्हें राजनीति के बारे में काफी तजुर्बा है, और साथ ही उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और चुनाव प्रचार प्रचार जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्या इस बार भी 2014 की तरह मोदी लहर उन्हें नजर आ रही है? सर, जनता के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गए, शहरी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, क्योंकि हिमाचल के लोग बड़े शिक्षित लोग हैं और हमेशा विकास को प्राथमिकता देते हैं। पिछली बार आप जानते हैं मोदी जी की लहर जो थी प्रचंड रूप से पूरे देश के अंदर छाई हुई थी, और प्रथम बार ऐसा हुआ कि चारों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई। परंतु अब जो लोगों ने 5 वर्ष का उनका कार्यकाल देखा है और हिमाचल के लोगों ने महसूस किया कि 5 वर्षों में ना केंद्र सरकार की तरफ से और 1 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो गया है, कोई भी ऐसी नीति हिमाचल के लिए नहीं आई, कोई भी विकास के काम हिमाचल के लिए नहीं आए, और जो उन्होंने वादे किए, एक तो बेरोजगारी दूर करने की बातें की, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बातें की, 15 लाख खाते मिटाने की बातें की, और काला धन विदेश से आएगा उसकी बातें की, ये सारे मुद्दे जो हैं लोगों के सामने हैं। सर, जो आपके ओपोनेंट है रामस्वरूप जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आगे आपको थोड़ा सा कम महसूस नहीं होता? देखिए, उनको तो एक ही चुनाव उन्होंने लड़ा है, और जिस परिवार से मैं आता हूँ उन्होंने 17 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, 4 लोकसभा चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और 1 राज्यसभा चुनाव लड़े हैं। एक लंबा अरसा हमको राजनीति के अंदर हो गया, मेरा पालन पोषण राजनीति के अंदर ही हुआ है, तो मैं राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ और जानता भी हूँ। जहाँ तक रहा अपने एक्सपीरियंस की बात की, तो हाँ, तजुर्बे में और उम्र के तकाजे में मुझसे बड़े हैं और उनको ज़्यादा जानकारी हो सकती है दीन दुनिया की, परंतु राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में मैं जानता हूँ कि लोगों की नब्ज क्या है, लोगों की इच्छाएं क्या है। एक आखिरी सवाल आश्रय जी, स्टार प्रचारक कौन आने वाले हैं आने वाले टाइम में? देखिए, प्रियंका गांधी जी से हमने समय मांगा है, और क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल का हमारा आखिरी फेज का चुनाव है, तो ये हमको बाद में पता चलेगा कि वो समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, परंतु हमने टाइम मांगा है। और मेरे ख्याल से हमारे सिद्धू जी भी हैं, वो भी आएंगे, और शत्रुघ्न सिन्हा जी, अगर उनका चुनाव समय पे ख़त्म हो जाता है तो वो भी आएंगे, और ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको हम बुलाएं, सचिन पायलट जी को बुलाना चाहेंगे, उनके युवाओं के साथ उनका कनेक्ट अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आश्रय शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो वोट मांगने लोगों के सामने जा रहे हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जा रहे हैं, ना कि झूठे वादों को लेकर। और एक युवा नेता होने के नाते वो इतनी अहमियत रखते हैं कि वो उन विकास कार्यों को पूरा कर सके जो कि पिछले सांसद नहीं कर पाए हैं।